नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद है। किसानों के इस भारत बंद के समर्थन में कई राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन भी सामने आए हैं, और इस बंद का कहां कहां असर है, कहां ये बंद बेअसर है, हम आपको ग्राउंड जीरो से डायरेक्ट रिपोर्ट देंगे। सबसे पहले आप बंद की 6 तस्वीरें देखिए। लिहाजा केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि किसान नेताओं और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। 9 दिसंबर यानी कल सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी है, लेकिन ठीक उससे पहले किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। किसानों का आंदोलन तो पहले ही दिल्ली NCR के लोगों के लिए पिछले 12 दिनों से मुसीबत का सबब बना हुआ है। आज जो पूरे देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया, इससे जो अलग अलग हिस्से हैं वहां के लोगों की जिंदगी पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो ये आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं अलग अलग इलाकों की। भारत बंद का असर रेलवे ट्रैक पर जरूर दिख रहा है। यूपी के प्रयागराज में किसानों ने ट्रेन रोकी, तो भुवनेश्वर और कोलकाता में CPM ने चक्का जाम किया। तो प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने ट्रैक पर उतरकर हंगामा किया और ट्रेन रोक दी। कोलकाता में आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी, जिसमें लोकल ट्रेन को रोका गया है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं भुवनेश्वर में, जहां पर भी लेफ्ट जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी ट्रैक पर उतरकर ट्रेन रोक रहे हैं, जिसका असर वहां पर ट्रेनों की आवाजाही पर पड़ा है। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले कुछ दिनों से जमे हुए हैं। भारत बंद को देखते हुए किसानों ने यहां पर बीती रात हाईवे पर गुजारी। किसानों ने बंद को कामयाब बनाने के लिए पुख्ता तैयारी की, और यहां मौजूद किसानों का साफ कहना है कि तीनों कानूनों को वापस लेने तक हाईवे को खोला नहीं जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आपको तो गाजीपुर की खबरें आपको दिखाएं, लेकिन 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग हिस्सों में ट्रेनें रोकी गई हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली नोएडा रोड पहले से ही बंद है, लेकिन आज भारत बंद की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि सरकार की चिंता इमरजेंसी सेवाओं को लेकर है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सुबह के वक्त हालात कैसे हैं, बता रहे हमारे संवाददाता दीक्षा पांडे की इस रिपोर्ट में, आप देखिए। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार किसान तीनों कृषि बिल को वापस लेने की जिद पर अड़े हुए हैं, और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली समेत देश भर के अलग अलग राज्यों में बंद किया गया है, और ये सुबह से लेकर शाम तक चलने वाला है, लेकिन चक्का जाम किया जाएगा जो कि सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक होगा। तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, और यहाँ पर आज सिक्योरिटी फोर्सेज काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आज बंद का ऐलान किया गया है। और इसके साथ ही जो चक्का जाम करने की बात कही जा रही है, उसके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो तमाम आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी, शादियों जैसे तमाम कार्यक्रम पर कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन जो तमाम मार्केट्स हैं या तमाम जो अपने अपने दुकानें हैं उन्हें किसी भी तरह से बंद करने पर बाध्य नहीं किया जाएगा, और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली नोएडा लिंक रोड की क्या तस्वीर है मैं आपको यहां पर दिखाती हूं। सिक्योरिटी फोर्सेस काफी ज्यादा बढ़ाई गई हैं। हालांकि जिस रोड की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बीते कुछ दिनों से लगातार बंद चल रहा है। नोएडा से दिल्ली हो या दिल्ली से नोएडा, दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो लोग हैं वो वैकल्पिक रास्तों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सीधी तस्वीर आप यहाँ से देख रहे हैं इन्हें, यानी जो मयूर विहार एक्सटेंशन है वहाँ से इस रोड को ब्लॉक किया गया है, कोई भी यहाँ से नहीं आ जा सकता है। और लगातार जो नोएडा पुलिस है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग अगर घर से निकल रहे हैं तो आज अपना ट्रैफिक, अपना रूट देखकर निकलें, क्योंकि उन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली के बॉर्डर पर भले ही हो, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के करीब मिंटो रोड पर इसका कोई असर नहीं है, या आवाजाही पर कोई असर नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ ऑटो वालों में बंद को लेकर एक कंफ्यूजन भी है। मिंटो रोड से इंडिया TV संवाददाता मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। हम इस समय नई दिल्ली और मिंटो रोड के इस ऑटो स्टैंड पर है, और भारत बंद का असर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर जितने भी ऑटो चालक हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड होने की वजह से ये बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है सर। राजेश, ऑटो चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? चला रहे हैं सर, अभी पूरी रात चला के आए। अभी मतलब मैं तो सिंगल चलाता हूँ गाड़ी को, लेकिन 10-11 बजे तक चलाऊंगा। आज भारत बंद का आह्वान किया है, इसका असर आप लोगों पे पड़ेगा या चलाएंगे आप? नहीं, हम तो चलाएंगे, हम तो मतलब हम मतलब किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजकुमार यादव है। राजकुमार, आज भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन आपके ऑटो चला रहे हैं नहीं? सर, ऑटो क्या सर, जब गवर्नमेंट
बसें चला रही है, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, यूनियन क्या करते हैं, हम तो किराएदार हैं, गाड़ी मालिक तो घर पे रह रहे हैं, हम सारे वो हैं गाड़ी ड्राइवर, ऑटो तो चलानी पड़ेगी सर, जब गवर्नमेंट की बसें चली तो ऑटो तो चलेंगे, चले देंगे सर, नहीं चलेंगे तो बताओ सर। क्या नाम है तुम्हारा? ऑटो क्या? ऑटो चलाते हैं। क्या नाम? संदीप महतो। संदीप, आज भारत बंद की बात कही है, ऑटो चला रहे हैं या नहीं आप? मैं नहीं चला रहा हूँ आज, क्योंकि गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि भारत आंदोलन के बंद है ना, आज मैं ऑटो नहीं चला रहा हूँ। और आप देखें तो यहाँ पर जो ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर ऑटो स्टैंड पर बहुत सारे लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? लाल बाबू साहब। आज ऑटो चल रहे हैं नहीं? बहुत कम दिख रहा है रोड में। आप चला रहे हैं? हम तो सवारी छोड़ के आ रहे हैं स्टैंड पर, आप देखते हैं जा रहा है जाएगा, चलेगा चलाएगा, नहीं तो लगा देंगे। भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन आपको लगता है दिक्कतें इससे बढ़ेंगी, लोगों को परेशानियां बहुत ज्यादा? परेशानियां तो है, बॉर्डर सब बंद है तो परेशानियां तो है लोगों को, परेशानियां तो बहुत है। लेकिन अंदर अंदर चलाएंगे ऑटो? अब लोग चलाएंगे तभी तो चला पाएंगे, नहीं तो शीशा तोड़वाने कौन जाएगा? इस बात का डर भी है कि कहीं तोड़फोड़ ना हो जाए। हाँ डर तो है, अब मानते हैं 200 कमाने ना है, 2000 के नुकसान हो जाए तो क्या फायदा जाने से। और ये एक इस बात की चिंता भी है, और इसीलिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये एरिया है, यहाँ पर जो ऑटो चालक हैं उनकी लंबी लाइन है, और उस लाइन के साथ साथ जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए भी आवाजाही का साधन बनता है। और दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले कुछ दिनों से जमे हैं। भारत बंद को देखते हुए किसानों ने बीती रात हाईवे पर ही अपनी रात गुजारी। किसानों ने बंद को कामयाब बनाने के लिए पुख्ता तैयारी भी की है। यहां मौजूद किसानों का साफ कहना है कि वो तीनों कानून को वापस लेने तक हाईवे को खाली नहीं करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता अतुल भाटिया की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय दिल्ली के गाजीपुर इलाके में मौजूद है, यहाँ के सुबह के हालात में आपको दिखाना चाहूंगा। रात भर किसानों ने जो है वो कड़ाके की ठंड में इसी तरीके से सड़कों पर रात गुजारी है, और आप देख सकते हैं अभी भी किसान जो है वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। पुलिस का इंतजाम मैं आपको दिखाना चाहूंगा, पुलिस यहाँ पर पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर जो है वो बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन पैदा ना हो इसके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। और ये दो रोड जो है जो कि गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ते हैं, दो लेन जो है वो पूरे तरीके से किसानों ने ब्लॉक कर रखी है, और ये आप देखेंगे पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो इस रोड के ऊपर खड़ी हुई है। किसान जो है वो यहाँ पर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। सर आज भारत बंद का ऐलान किया गया, क्या योजना है आप लोगों की? योजना तो यही है कि आज सारा दिन यहाँ हाईवे जो हमारा बॉर्डर है ये जाम करेंगे, यहाँ बैठेंगे, और जो हमारे आगू गए हैं बातचीत करने के लिए जैसे उनका जो आदेश होगा वैसे हम करेंगे आगे। कल किसान नेताओं और सरकार के बीच में बातचीत भी होनी है 9 दिसंबर को, आपको लगता है कोई सकारात्मक नतीजा निकल कर सामने आएगा? बिल्कुल निकलना चाहिए, तभी इतने दिनों से जो जदोजहद चल रही है, जो बातचीत चल रही है, इसी उम्मीद में है कि कुछ सकारात्मक निकले। और सकारात्मक का मतलब मैं आपको बता दूं ये है, जो तीनों बिल हैं ये वापस होंगे, यही सकारात्मक है, इसके अलावा सब कुछ नेगेटिव। सरकार का जो रवैया अब तक का रहा है, कानून मंत्री भी कल जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको लगता है सरकार ये बिल वापस लेगी? देखिए नहीं लेना और लेना सरकार के हाथ में, लेकिन इतना आपको जरूर बता दें ये देश के लिए बहुत घातक होगा, किसानों के लिए बहुत घातक होगा अगर ये बिल तीनों वापस नहीं लिए जाते तो। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है, क्या आपको लग रहा है आगे क्या योजना है आप लोगों की? योजना हमारी यही है, आज हमारा बंद है, कल को मीटिंग है, उसमें सरकार क्या फैसला देती है नहीं देती, जितनी हमारी ऑल इंडिया एसोसिएशन है जैसा भी मतलब वो करेंगे, मीटिंग करेंगे, किसान उसका पालन करेगा आने वाले टाइम 9 तारीख के बाद में। भारत बंद का आज ऐलान किया गया, क्या किसानों की योजना है आज के पूरे? तो हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं, आप देख रहे हैं किसान जो है वो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, दो लेन जो है वो पूरी तरीके से बंद हो। इन सबका कहना यह है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। मैं आपको पूरी रोड दिखाऊंगा, जगह जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। तैयारी जो है वो किसान आज आंदोलन की कर रहे हैं, जिस तरीके से भारत बंद का ऐलान किया गया है, अभी यहाँ पर किसान जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और इसके बाद इनका कहना यही है कि वो पूरे तरीके से इस रोड को जो है वो ब्लॉक करेंगे। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है वो खड़े हुए हैं, और किसान जो है वो इस समय यहां पर चाय पी रहे हैं, और सबका कहना यही है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी वो यहां से जाने वाले नहीं है। अब किसानों के बंद के समर्थन में लखनऊ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी बंद है। इस मंडी से रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है, और लखनऊ समेत पड़ोस के कई जिलों में सब्जियों की सप्लाई भी की जाती है, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां के आढ़तियों का कहना है कि वो आंदोलन में किसानों के साथ हैं, क्योंकि उनका कारोबार ही किसानों पर टिका हुआ है। आपको लखनऊ मंडी से इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार की ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
लखनऊ के दुबग्गा की ये नवीन फल और सब्जी मंडी है। रोजाना इस मंडी से 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यहाँ से जो फल और सब्जियाँ हैं वो यहाँ लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर का जो दायरा है उनमें जो शहर आते हैं वहाँ जाती हैं, सीतापुर जाती हैं, अयोध्या जाती हैं, गोंडा, उन्नाव, हरदोई, तो जितनी दिशाएं लखनऊ से जा रही हैं सड़कें सब जगह यहीं से सब्जी मंडी और सब्जी मंडी से फल और सब्जी जाती है। लेकिन आज इस मंडी में सन्नाटा है, ताला लगा हुआ है, सारी जितनी आढ़त हैं सब बंद है। करीब 650 आढ़ती यहाँ पर हैं सब्जी मंडी में, वो सब बंद है। तो काफ़ी ज़्यादा असर इसका पड़ने वाला है क्योंकि ये जो ज़िले हैं जहाँ यहाँ से सब्जियाँ जाती हैं वहाँ सब्जी और फल नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे साथ इस सब्जी मंडी के कुछ लोग हैं। ये जो आपने बंद का आज समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह? मेरी मेन वजह ये है कि हमारा ये बंदी किसानों की है और किसानों ने ही बंदी की है। हम लोग तो माल बेचने वालों में से हैं। जब किसान ने ही कह दिया मैं माल ही नहीं लेके आऊँगा, हम लोग तो अपनी जगह पे ड्यूटी पूरी दे रहे हैं, अब जो किसान माल ही नहीं लेके आया तो बंदी पूरी तरीके से हो गई। जैसे किसानों से अभी इतने दिनों से आपके पास माल आ रहा था, आज ये था कि आज माल नहीं आएगा इसलिए आपने बंद कर दिया, या जो उनकी मांगे हैं उसके समर्थन में? नहीं, उसके समर्थन में तो है फिलहाल, जब किसान ही नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? बता, किसान का समर्थन तुम करे ही करेंगे, जब किसान नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ बैठ कर? हम लोग तो औरते हैं, कभी से रह जाएंगे। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये कानून गलत है, सही है, क्या आपको लगता है? अब कानून किसान के विरोध में तो गलत ही है, जब किसान के साथ होंगे तो किसान के साथ रहेंगे, तो किसान के साथ काम करेंगे, किसान आनंद आता है, किसान आएगा जब भी हम लोग का काम चलेगा, जब किसान नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ये किस तरह का, जो आपकी ये मंडी बंद है, इतने जिलों में सप्लाई आपके यहाँ से होती है, क्या असर पड़ेगा इसका सब्जी और फल पे? सब्जी और फल पे मैम इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि हमारे जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है, ज़िले हैं, वहाँ हमारी ही मंडी से सप्लाई जाती है। किसानों ने जब बंद का आह्वान किया है, चूँकि किसान ही हमारा अन्नदाता है और हमारी रीढ़ की हड्डी ही किसान है, किसानों ने आने से मना कर दिया तो हमने कहा यहाँ बैठने से कोई मतलब, हम लोग तो अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया तो हम लोगों ने कहा मंडी बंद हो गई, बात खत्म हो गई, इसलिए हम लोगों ने मंडी बंद कर दी। और हम पूर्णतः किसान का समर्थन करते हैं और किसान बिल का विरोध करते हैं। क्या वजह है विरोध करने की? विरोध की किसानों की अपनी जो मांगे हैं वो उनकी मांगे पूरी की जावे, जो भी है 2-3 जो इनके बिल हैं वो जिनके विरोध में किसान हैं, हम किसानों के साथ हैं इसलिए किसानों के साथ ही रहेंगे, चूँकि हमारा काम ही किसानों से चलता है। जी आप बताइए कि किस तरह से ये असर आज का जो बंद, आपकी मंडी बंद है, हालांकि लखनऊ में हम बाकी जगह देख रहे हैं मंडियां खुली हैं, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर तो सब पे ही पड़ेगा। और भाई सरकार बिल्कुल साफ कह रही है कि बिचौलिया खत्म कर रहे हैं, बिचौलिया तो हम ही आहुति लोग हैं। अगर हमारा ही कारोबार खत्म करने के लिए बार बार सरकार कोई भी डिबेट सुन ली उसमें कहते हैं बिचौलिया खत्म किया जा रहा, तो आहुति तो हम लोग हैं। तो किसान का हमारा चोली दामन का साथ होता है, उसको कोई चीज़ की भी जरूरत होती है तो हम लोग पूरी करते हैं उसको, ताकि वो फसल ला के मेरे पास बेचे। अब जब किसान हम ही को ख़त्म करे दे रहा है तो इसका असर हम क्या, हमारे जितने समाज पर है, पूरा शहर है बंद है आज, और बंदी का असर बहुत ज़्यादा होगा। आप बताइए क्या जैसे जो फल और सब्जी यहाँ से आज नहीं जाएगी तो महंगी मिलेगी, क्या होगा इसका, क्या असर? मंडी बंद रहेगा, कल लोगों ने ज़्यादा लेके रखा है माल तो रेट तो नहीं इंक्रीज करेगा, रेट तो वही रहेगा क्योंकि कल जो लोग आए थे यहाँ पर खरीदारी करने के लिए पैकार, उन लोगों ने माल एक्सेस लिया हुआ है तो रेट इंक्रीज नहीं कर। सरकार ने कहा है कि सब बाजार खुले रहने चाहिए, तो सरकार की तरफ से पुलिस कुछ आप लोग से कह रही है? नहीं हम लोगों से पुलिस से कोई बात नहीं हुई है, और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग 3 बजे रात से ही बैठे हुए हैं कि कोई किसान आता है तो उसका स्वागत किया जाएगा, सामान रखवा दिया जाएगा। अब मंडी बंद है पूरी तरीके से तो हम लोग उसके समर्थन में भी हैं, किसानों के साथ भी हैं। तो इस तरह से जो बंद है, भारत बंद, उसका असर इस मंडी पर दिखाई दे रहा है। हालांकि लखनऊ में ज़्यादातर बाज़ार जो व्यापारी संगठन है उनका कहना है कि बाज़ार खुले रहेंगे, कई जगह व्यापारी संगठन कह रहे हैं कि वो किसानों का समर्थन करते हैं लेकिन आज वो बंद मार्केट नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से लखनऊ में आढ़तियों ने बंद रखा है मंडी को। लेकिन आपको बताते हैं कि जो भारत बंद है इसका असर ट्रेनों पर क्या पड़ रहा है, ब्रेक के बाद।